दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज बारिश और आंधी के चलते सेक्टर 78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू प्रथम सोसाइटी की दीवार टूटकर पड़ोस में बनी झुग्गियों पर गिर गई। झुग्गी में रह रहे मजदूर विशेश्वर के परिवार समेत 5 लोग दब गए। लोगों ने किसी तरह से 5ों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर कंचन व उसकी 5 वर्षीय बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विश्वेश्वर की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोई भी खड़ा हो तो उसकी मौत हो सकती है, जिसका सबूत आज मिला जब बारिश हो रही है। लोग जो है दब गए और उनको मलबे से निकाला, मजबूत कर दें कि अगर दीवार गिरे तो किसी की मौत ना हो। शायद ये बिल्डर अगर इन सब चीज़ों को गौर करता तो शायद आज जो हालात ना बनते कि ये बिल्डर पूरी तरीके से उसकी लूट और चकाए और मौत। पांच वर्षीय बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विश्वेश्वर की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऐसा हुआ, मैं अभी बारिश में आया तब देखा बारिश बंद हो गई, यहाँ 5 लोग दबे पड़े थे झोपड़ी के अंदर। हमने निकाला, यहाँ से आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड आए, इन्होंने हमने पहले सिक्योरिटी गार्ड आने से पहले जेसीबी आई, जेसीबी ने रुकरा, हमने कुछ मेहनत करी, कोई नहीं, वो लोग पहुँच गए ना, हमें ये मालूम लेबर कहाँ गई है, कुछ नहीं। अभी 5 सिक्योरिटी गार्ड आए थे यहाँ इंचार्ज, और 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमें धमकी दी, तुम हमारी लेबर कैंप के आदमी नहीं हो, मगर हम भी लेबर, हमारे ठेकेदार अलग है, उन्होंने ठेकेदार एक है, मगर हम लेवल लोग हैं, हमारा एक साथ देने वाला है कोई चीज़ है, मगर उन्होंने हमें बदमाशी दिखा के डरा के मारे भगा दिया। हम इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। सोसाइटी है सर, सोसाइटी अंतरिक्ष 1 वेव 1 है। अच्छा, झुग्गी पे जो दीवार गिरी थी वो कौन सी दीवार गिरी, कहाँ की दीवार गिरी? दीवार जनरेटर की गिरी है, जनरेटर के कमजोर ऐसा लगा रखा है, आप देखो फोटो खींच के देखो, उनके दीवार के थोड़ा और गहरा कर देते हैं, पैसा और लगा देते तो गिरती नहीं, और हम तो गरीब लोग हैं, चलो हमारी तो गिर गई, कोई बात नहीं। हमारे लोग घायल है, 2 लोग डेड हो गए, 3 लोग घायल है, ये भी नहीं मालूम घायल है, 5 है मर गए क्या नहीं मालूम, मगर अगर ये कंपनी का टावर गिर, वो जो घायल मजदूर लोग थे, वो लेबर लोग, वो कहाँ काम करते हैं? यही अंतरिक्ष 1 पे। तो इसी तरह अंतरिक्ष 1 के बगल से धमाका आया, तो मैं उतना एहसास नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने एक चादर गिर गया था टीना, तो मैं सोचा इसी तरह कहीं टीना गिरा हो, तो बाद में जब बारिश कुछ कम आ तो देख रहे हैं इधर हल्ला हुआ कि आदमी वहाँ पे दब के मर गया, और उसमें 5 आदमी को मैं देखा हूँ खुद, 2 आदमी को हाथ पकड़ के मैं खींच के बाहर किया हूँ, और इस इतना होना चाहिए कम से कम लेबर का सेफ्टी कि कम से कम कंपनी का जो गाड़ी भी है, एक आध गाड़ी भी तो नहीं आई है, और जेसीबी से मालवा जिस तरह खींचा जा रहा है उस तरह आदमी को खींच करके बाहर किया गया, और एक दीवार इसी तरह पड़ा हुआ है, क्या पता हो सकता है कि उसके अंदर भी एक आध आदमी हो या बच्चे किसी। अच्छा, कितने लोग थे जो घायल हैं? और 5 आदमी थे, लेकिन उसमें हम देखे हैं एक जो लेडीज है और एक छोटा बच्चा जो है, समझिए वो खत्म हो जाएगा, उसका बचने का कोई चांस नहीं है, बाकी का बहुत घायल है समझिए, तो उसको भी 3ों का बचने का चांस नहीं है। सुबह हम लोग बैठे थे यहाँ ना, 5 बंदे, उसका पूरा परिवार था, हमें आई कुछ हवा हवा चल रहा था, आई धमक है ना, हम लोग हमारे सामने ना, हम लोगों ने 5 आदमी था, वो लोग पूरा परिवार था, वो लोग उसका वो लंगड़ा भी है, एक बंदा जो घायल हुआ लंगड़ा था है ना, 5 बंदा था उसमें, तीन तो खत्म थे, 2 तो बंदा
निकाल चुके थे हम लोग खत्म, और तीन घायल था, एक नेक सा बच्चा था 6 महीना का, वो तो पूरा हम लोगों ने निकाला था। बस दो दो लोग थे, टोटल 5 थे सर, पांच थे। कितने लोग घायल और कितने, इसमें 3 घायल है, 2 मर चुके हैं, हमारे सामने मर चुका था। वो कहां ले जाया गया? वो हॉस्पिटल हम लोगों ने भेजा था, एम्बुलेंस तक नहीं आई थी। कोठी में हम लोगों ने हल्ला हल्ला के बोला था भाई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई नहीं भेजा, पुलिस आया, पुलिस चला गया।